बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी ज़रूरी ये रेसिपी बताने लगी हूँ मक्खन निकालने की। अक्सर मक्खन निकालते हुए बहुत टाइम लगता है, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। अगर आप इस मिस्टेक को गौर से देखें कि मैं कैसे निकालने लगी हूँ, तो आपका मक्खन जो है 5 मिनट से भी पहले निकल सकता है। बिल्कुल मेरे वाली रेसिपी को आपने गौर से देखना है और इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बाज़ दफ़ा मलाई जो है आप उतारते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, वो आप किसी गहरे बर्तन में, ऐसे बर्तन में डाल के तो आप मक्खन निकालेंगे, तो आपका रोज़ की रोज़ ताज़ा फ्रेश मक्खन जो है आप निकाल सकती हैं। बर्तन जो है वो ज़रा ऐसे वाला गहरा होना चाहिए ताकि ये इसके अंदर ये डिप हो सके, वो मक्खन जो है बाहर ना निकले। तो अगर आपकी मलाई ज़रा ज़्यादा हो गई है, फिर आप थोड़ा सा बाउल गहरा लें और बड़ा वाला लें। ये मेरी 3-4 दिन की मलाई है, मैं इसको आपको निकालना मक्खन निकाल बताती हूँ कि ये मैं इस बीटर से भी निकालती हूँ। थोड़ा जब होता है मैं इसी से निकाल लेती हूँ, तो ज़्यादा वाला भी इससे निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। चूँकि मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, इसलिए आपको मैं ये रेसिपी आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह आपने इसको निकालना है। सबसे पहले आपने इसमें पानी नहीं डालना, ये बड़ी ज़रूरी टिप है। बाज़ औक़ात ख़वातीन ऐसे करती हैं कि इसमें ठंडा पानी डाल देती हैं या नॉर्मल पानी डाल देती हैं, वो मक्खन निकलने में बहुत लंबा टाइम लेता है। आपने इसी तरह ये जो मलाई आपने दूध से उतारी है, आपने बिल्कुल कोई पानी इसमें नहीं डाला, ये दूध जो साथ से थोड़ा बहुत उतरा है वही है। आपने इसको पहले खाली मलाई को बीट करना है। ये देखें आपके सामने थोड़ी सी हल्की सी इसको मैंने चलाना है तो इसने बीट हो जाना है। इसी तरह आप हाथ वाले बीटर से भी इसको खाली मलाई को आपने पहले बीट करना है। ये देखें बगैर पानी डाले 2 मिनट नहीं लगे और ये मलाई जो है ये थिक हो गई है। अब आपने ये गर्मियों की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, सर्दियों में ज़रा तरीकाकार और होता है, ये गर्मियों में बता रही हूँ। अब आपने ठंडा पानी अगर आपके पास हो, नहीं है ठंडा तो फिर उसमें थोड़ी सी आइस डाल लें और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हल्का सा आपने बीट करना है। इस तरह मिक्स कर लें पानी के अंदर। ये देखें 2 से 3 मिनट लगे हैं। अगर आप मलाई में पानी डाल लेते तो फिर मक्खन इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं निकलता, बड़ा तंग करता है और बहुत टाइम लेता है। ये 2 मिनट के अंदर मैंने बीटर चलाया है। अगर आप हाथ वाला बीटर भी लेंगे तो आपने पानी पहले नहीं डालना, पानी आपने बाद में डालना है। पहले उसको चला के बीटर तो आपने थिक करना है मलाई को, उसके बाद ठंडा पानी डालना है गर्मियों में। और सर्दियों की रेसिपी ये है कि मलाई आपने फ्रिज से निकालनी है, तो उसको ऐसे खाली मलाई को पहले बीट करना है, उसके बाद नीम गर्म सा पानी, हल्का सा गर्म पानी आपने डालना है, तो इतना अच्छा मक्खन जो है वो निकल आता है। ये देखें इसके बाद अगली रेसिपी ये है कि आपने इस मक्खन को निकाल के तो बाउल में नहीं रखना, क्योंकि ये देखें इसमें दूध या लस्सी, मैं इसको वो दही जाग लगाए बगैर निकाल रही हूँ। अगर आप ऐसे ही बाउल में रख लेंगे रोटियों के लिए, तो फिर ये दूध या लस्सी जो है ये साथ रहती है और वो मक्खन को थोड़े दिनों बाद अंदर से स्मेल आने लग जाती है। इसलिए आपने ठंडा पानी लेना है, ये मैंने बर्फ़ अंदर डाली थी वो मेल्ट हो गई है, और इसके अंदर रखते जाना है। ये देखें पानी के अंदर इतना ज़्यादा दूध निकलता है जो आपकी मक्खन में थोड़े दिनों बाद स्मेल कर देता है। ये आपने याद से ठंडे पानी में डालते जाना है इसको, और ये दूध या लस्सी जो आपकी सारी पानी में रह जाएगी। ये मैं 2-3 पानी इसको ज़रा साफ़ करूँगी, तो फिर इतना मज़े का, इतना खुशबूदार मक्खन तैयार होता है। ये रेसिपी आपने ज़रूर फॉलो करनी है। ये लें अल्हम्दुलिल्लाह, इतना नीट क्लीन साफ़ सुथरा मक्खन तैयार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है।
और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मोहब्बत की, दुआओं की मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। खुदा हाफिज़।